The next question is, the damping torque in a moving coil instrument is caused by. मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग किसके द्वारा की जाती है ये हमने पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअल में डैम्पिंग टॉर्क होता क्या है. द डैम्पिंग टॉर्क इज जब हमारा पॉइंटर जीरो पोजीशन से आगे की ओर डिफ्लेक्ट होता है तो वो किसके कारण पॉसिबल होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण. एंड फाइनल स्टेट से जीरो पोजीशन में आने के लिए अगेन इसमें जो टॉर्क वर्क करता है डेट इज़ कंट्रोलिंग टॉर्क. इसलिए हमने ये पढ़ा था कि एट स्टेडी स्टेट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क के बीच में इनर्शिया बनता है या ड्यू टू इनर्शिया द पॉइंटर ऑसिलेट. पॉइंटर क्या करता है, ऑसिलेट करता है बिकॉज डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में अपोजिट होते हैं, अपोज करते हैं एक दूसरे का. इसलिए जो हमारा पॉइंटर होता है वो ऑसिलेट करता है. उस ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए, ख़त्म करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क जनरेट होता है. अब डैम्पिंग टॉर्क भी हमारे वेरियस हमारे टाइप्स होते हैं डैम्पिंग के, जैसे एडी करेंट डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड द ग्रेविटी फ्रिक्शन. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है. अब मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि PMMC, ये सबको क्लियर है. मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का टाइप ही हमारा क्या होता है, PMMC. एंड PMMC में हमारा परमानेंट मैग्नेट यूज होता है. सो जहाँ पे हमारा हाई मैग्नेटिक फील्ड बनता है वहाँ पे हमारी जो डैम्पिंग यूज होती है वो होती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग. तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट या PMMC में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी जो डैम्पिंग यूज होती है डैट इज PMMC. ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ मैं जो नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपको क्लियर होगा कि कौन कौन सी डैम्पिंग किन इंस्ट्रूमेंट्स में होती है. अगर हम बात करें PMMC की या इंडक्शन टाइप की तो उसमें हमारा जो यूज़ होता है एडी करेंट डैम्पिंग. मूविंग आयरन या इलेक्ट्रोडाइनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होती है. एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक वोल्टमीटर एंड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. सिंपल, जब हमारा पॉइंटर एक स्पिंडल में जुड़ा रहता है बट जब पॉइंटर हमारा मूव करता है उसे हम एक एयर चैम्बर से कनेक्ट करते हैं. अगर हमारे चैम्बर में एयर हो जो प्रेशराइज कर रही है तो वो डैम्पिंग वहाँ पे होगी एयर डैम्पिंग. एंड अगर उस चैम्बर में हम फ्लूइड के थ्रू प्रेशर अप्लाई करवा रहे हो तो वो डैम्पिंग हमारी होगी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. राइट, तो ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ मूविंग आयरन टाइप वोल्टमीटर एंड एमीटर. ये हम पढ़ चुके हैं. मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट वन अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप. इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से वीडियो के थ्रू, हमने एनिमेटेड वीडियो के थ्रू ये चीज़ समझी थी. तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट टू टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक, मूविंग आयरन आपको याद रखना है, मूविंग आयरन जिसमें मूविंग सिस्टम होता है तो वो दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन. मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट डेट इज PMMC. राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमिटर प्रोवाइड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमिटर प्रोवाइड्स द पाथ फॉर. हमारा जो एमिटर होता है वो किसके लिए पाथ प्रोवाइड करवाता है, मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट. तो एमिटर हमारा करंट को मेजर करता है तो वो किसको प्रोवाइड करवाएगा पाथ, मैक्सिमम करंट को. राइट, कितनी जितनी ज़्यादा करंट उसमें फ्लो हो एमिटर उसको मेजर करेगा. तो सिंपल सा, एमिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है. अगर वो करंट को मेजर करता है तो हम चाहेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके. तो एमिटर हमेशा किसको मेजर करेगा, एमिटर हमेशा जो मेज़र करेगा वो करेगा किसको, मैक्सिमम करंट को. ठीक है, इसीलिए हमने लिखा कि ये प्रोवाइड करेगा पाथ किसके लिए, मैक्सिमम करंट को. वोल्टमीटर वोल्टेज को मेज़र करता है तो
इसके लिए वोल्टेज को मेजर कर रहा है, डैट मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि ये मिनिमम करंट को क्या करे, पाथ प्रोवाइड करे। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहता है, ठीक है। एमीटर की रेंज को हम शंट से एक्सटेंड कर सकते हैं, वोल्टमीटर की रेंज को हम हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर जिसे कहते हैं, सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़े तो मल्टीप्लायर के थ्रू हम उसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में एमीटर हमारा हमेशा सीरीज में इस तरीके से हमारा जो एमीटर है वो कनेक्ट रहता है, एंड जो वोल्टमीटर होता है वो किसी भी सर्किट में हमारा इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट रहता है। तो दीज आर द की डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो एमीटर हमारे करंट को मेजर करता है, तो सीधा सा क्वेश्चन है ये मैक्सिमम पाथ किसको प्रोवाइड करेगा, किसके लिए पाथ प्रोवाइड करवाएगा, मैक्सिमम करंट के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल वोल्टमीटर हैज़, अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि वोल्टमीटर के का जो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टमीटर। अब यहाँ पे टर्म आई है प्रैक्टिकल यानी कि आइडियल। आइडियल एक ऐसा वर्ड है जैसे कि अगर हम कहें वोल्टमीटर तो या एमीटर, उसमें लॉसेज हमारी मिनिमम हो। आइडियल का केस हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे कुछ लॉसेज ना हो, पावर कोई कंज्यूम ही ना हो रही हो, तो उस केस में आइडियल वोल्टमीटर को का जो हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जब दिस इज द राइट आंसर थर्ड वन, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर हमारा रेजिस्टेंस इन्फिनाइट नहीं होगा तो करंट उसमें हमारी बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाएगी जिससे वोल्टमीटर हमारी मेजर नहीं होगी, वोल्टेज हमारी मेजर नहीं होगी। दैट्स व्हाई द प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट होना चाहिए या आइडियल वोल्टमीटर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एन एसी करंट, कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो एसी को मेजर नहीं कर सकता, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी को नहीं कैलकुलेट करता, डैट इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल डीसी के लिए यूज होता है, मूविंग आयरन यूनिवर्सल होता है, ये एसी एंड डीसी दोनों के लिए यूज होता है, पीएमएमसी डीसी के लिए यूज होता है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी के लिए यूज होता है, एंड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एसी मेजरमेंट, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अभी आपने दो ही क्लास में आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। दैट मीन्स कि ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, और ये क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। यही हमने अभी देखा, यही टेबल आपकी मैंने अभी समझाई, इसको आप नोट कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मूविंग कॉइल जो होता है परमानेंट डीसी क्वांटिटीज़ के लिए, एसी के लिए नहीं होता, मूविंग आयरन एसी एंड डीसी, हॉट वायर यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी, एंड इंडक्शन टाइप इज यूज फॉर ओनली एसी क्वांटिटीज़। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ यूनिफॉर्म स्केल, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, किस इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म का मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जब थीटा करंट के प्रोपोर्शनल होगा तो स्केल हमको यूनिफॉर्म मिलेगा। स्केल यूनिफॉर्म मिलना है डैट इज हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर मिलना है, डैट इज वो स्केल हमारा यूनिफॉर्म है। और ये कब एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे हमारा डीसी मेजर हो रहा हो, तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमारी डीसी क्वांटिटीज ओनली मेजर होती है, एंड इट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म स्केल। सो द करेक्ट आंसर इज पीएमएमसी टाइप, राइट। थैंक यू।